यार हमेशा से सुनता हुआ आया हूँ कि एक अच्छे टैलेंट की कदर कभी नहीं की जाती है, और जब की जाती है उस वक्त तक एक बहुत बड़े हस्ती बन चुका होता है वो इंसान जिसके अंदर में वो सारा टैलेंट होता है। और उस वक्त में पूरी दुनिया कह रही होती है कि प्लीज़ मेरे साथ एक बार काम कर लो, प्लीज़ मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो, मेरे साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। आपको समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी, मैं हूँ मिस्टर जीरो। यह शादी स्पेशल का जो माहौल था उसके बीच में सभी लोग गाना गा रहे थे और एक से बढ़कर एक गाना गा रहे थे। आई वॉज वेटिंग फॉर अजमत हुसैन का परफॉर्मेंस। अजमत हुसैन के जैसे परफॉर्मेंस आया, और उनका परफॉर्मेंस हमेशा जो है एंड में रखते हैं, एपिसोड जब एंड होने वाला रहता तभी रखते हैं। अजमत हुसैन ने जब अपना गाना गाना शुरू किया तो यकीन मानो उन्होंने अपना एक अलग ही ऑरा दिखाया, क्योंकि इससे पहले मैंने उनको इस तरह से एकदम कहते ना फुल मस्ती में गाते हुए नहीं देखा था। गाना यही था कि सपने में मिलती है कुड़ी, सपने में मिलती है, फ्रॉम द मूवी सत्या, राम गोपाल वर्मा के में से था वो गाना। और एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि अजमत हुसैन ये गा सकता है। अभी एक चीज़ बता देता हूँ, बॉटम टू वहाँ पे दिखाया गया था कि बॉटम टू में कौन है, अजमत हुसैन और सनी हिंदुस्तानी, ये दोनों को सामने में हमेशा रखा जाता है और सनी हिंदुस्तानी को हमेशा जो है ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। दैट्स गुड कि एक नॉर्मल सा बंदा, एक लोअर मिडिल क्लास बंदा जो है यहाँ तक पहुँचा है, दैट्स हैट्स ऑफ मैन, उनकी आवाज़ कमाल की है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उनका जो गाने का स्टाइल है ना वो फिक्स है, वो अपने ही स्टाइल में गा सकते हैं, किसी और गाने को उनको मुझसे सुनो उतना खास नहीं लगता। अजमत हुसैन ने हर तरह का गाना ट्राई किया और हर तरह के गाने में उन्होंने एक अपना अलग ही लेवल दिखाया है। अगर आप एग्री करते हो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो। और ये एलिमिनेशन जो है ना, हजम ना होने वाली एलिमिनेशन है। मैंने इंडियन आइडल शुरू होते समय ही कह दिया था, जैसे ही मैंने अजमत हुसैन को देखा था तभी कह दिया था कि इनसे जब तक टीआरपी मिलेगी ना तब तक ये इनको यूज़ करेंगे और उसके बाद से निकाल देंगे और इनको विनर नहीं बनाने वाले हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है इंडियन आइडल के ऑडिशन के टाइम पे बाहर में ना जाने कितने लोग, सैकड़ों के तादाद में लोग खड़े होकर के गालियां दे रहे होते हैं इंडियन आइडल को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके टैलेंट को परखने का मौका ही नहीं दिया गया, उनके टैलेंट को मतलब जजेस के सामने लाया ही नहीं गया, और उनके सामने में अगर लाया भी जाता है तो उसके बाद से किसी ना किसी रीजंस की वजह से जो है वो उनको आउट कर देते हैं। रही बात अजमत हुसैन की, स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि अजमत हुसैन का एक पास्ट हिस्ट्री है, एक पास्ट है, एक बहुत अच्छा सा एक इमेज है, और वो इमेज का गिरना दोनों को मिला करके इनको एक कहते ना एक मसालेदार रेसिपी टाइप चीज़ मिल गई थी और उनको उन्होंने यूज़ किया। अब देखो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, अजमत भाई की ये सारी चीज़ को देख करके मुझे एक ही चीज़ समझ में आता है कि आज तक जितने भी बड़े बड़े हस्ती है उनका स्टार्टअप जो है वही हुआ था। और यहाँ पे अजमत हुसैन का स्टार्टअप नहीं है, अजमत हुसैन एक रीस्टार्ट मोड में है, और रीस्टार्ट मोड में ये सब होना तो एक लाजमी सी चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। एज अ फैन होने के नाते मुझे एक चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि भाई अजमत हुसैन का जो परफॉर्मेंस है ना, बस वो हमेशा से आउटस्टैंडिंग रही है। थोड़ा सा ग्राफ गिरा था, वो ग्राफ धीरे धीरे सुधरता जा रहा था और उनको टूटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बड़ी बड़ी हस्ती में अगर अमिताभ बच्चन को भी लिया जाए तो एक टाइम पे वो रेडियो पे गए थे कि भाई मुझे रेडियो पे काम मिल जाए, लेकिन उनकी आवाज़ को सुन करके उनको मना कर दिया गया था। जबकि आज जितने भी बड़े बजट की फिल्में होती है उनका बैकग्राउंड में नरेशन जो है अमिताभ बच्चन की आवाज़ से ही करवाया जाता है, और जब उनकी आवाज़ के साथ में वो नरेशन होती है उसके साथ में यार मूवी का लेवल ही अलग हो जाता है। उस टाइम पे कहा जाता था कि भाई अमिताभ बच्चन को कोई भी डायरेक्टर एज अ हीरो लेना ही नहीं चाहते थे, वो कहते थे भाई तुम इतने लंबे चौड़े हो, तुम्हारे लिए हीरोइन कहाँ से लाऊंगा मैं, प्लीज़ यार मुझे माफ़ करो, ये सारी चीज़ कहते थे। और आज मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमिताभ बच्चन किस जगह पे, एंड आई होप कि अजमत हुसैन भी बिल्कुल कुछ वैसे ही करके वापस आने वाले हैं, और इसमें कोई मतलब अचंभा वाली बात नहीं होगी, कोई भी हैरानगी नहीं होगी कि यार ये वही अजमत हुसैन है जो इंडियन आइडल में वहाँ से एलिमिनेट हो गया था, या ये वही अजमत है जिसकी पास्ट लाइफ कुछ इस तरह से थी। ट्रस्ट मी यार, सबका होता है और रिटर्न आएगा। एज अ फैन इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, एंड ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड के क्या चल रहा होगा दिमाग में। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, मुझे अजमत हुसैन को, यार सिर्फ मुझे नहीं, मैं कोई नहीं होता ऐसा बोलने वाला, मैं सिर्फ एक फ़ैन हूँ, और आप लोग जितने फ़ैन हो यार आई थिंक इतना होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि अजमत भाई तक ये पहुँचे कि प्लीज़ आप यूट्यूब में एक्टिव हो। क्योंकि इससे पहले जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो सिंगर्स थे ना, वो सारे सिंगर्स जो है यूट्यूब में बहुत अच्छा नाम कमा के बैठे हुए और फॉलोअर्स तो दबा करके हैं, हर गाने का एक कवर सॉन्ग बना करके वो डालते हैं, और कई सारे लोग तो अपना ओरिजिनल गाना बना करके डालते हैं। आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि किसी टेलीविज़न या नेशनल टेलीविज़न की आपको ज़रूरत है, नेशनल टेलीविज़न में जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना
आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अजमत भाई प्लीज़ यार अपने YouTube चैनल के ऊपर फोकस करो और बहुत अच्छे अच्छे गाने गा करके हम सबको यार इंटरटेन करो। और जितना ज़्यादा इंटरटेन हम सब होंगे, आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। फ्यूचर होना आपके हाथ में है और हो ही जाओगे, इतना तो कन्फर्म्ड है। कोई ना कोई होगा जो आपको आकर के कहेगा भाई प्लीज़ एक गाना गा दे, आगे में देखते हैं, फिर अगर अच्छा हुआ ना तो फिर आगे के और भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सो आई होप कि ये होगा एंड इंडियन आइडल, जस्ट यही कह सकता हूँ। अब इसके आगे की बात आपको समझ में आ गई होगी, आप एग्री करते हो या नहीं, मेरे इस सोच के साथ आप जानना चाहते हो या नहीं, इट्स अपॉन यू। लेकिन मेरी यही सोच है एंड इंडियन आइडल में अजमत हुसैन अब नहीं है। आई होप कि हो सकता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है कि फैंस के प्रेशर में आ करके मीडिया में इतना ज़्यादा हो जाए कि हाँ भाई सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ हर जगह पे फैंस लोग कह रहे हैं कि अजमत हुसैन को वापस लाओ, और क्या पता उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री में फिर से डाल दे। वैसे भी आजकल रियलिटी शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो यहाँ पे एक बार सही जगह पे भी इस्तेमाल करना बनता है। तो अजमत हुसैन विल बी बैक एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। आपको लगता क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाय द वे इंडियन आइडल वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। उनको सिर्फ वो चाहिए कि गरीबी और गरीबी, उसके साथ में थोड़ा सा टैलेंट, उसके साथ में ढेर सारा स्टोरी एंड चला दो। एंड डोंट टेल मी कि अजमत हुसैन का भी तो सेम स्टोरी था। नहीं, अजमत हुसैन वॉज अ स्टार फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड राइट नाउ वो अभी भी स्टार ही है। तो भाई इन पे भरोसा नहीं कर सकते, इनको बस यही मसाला चाहिए होता, और क्या पता ये पब्लिसिटी स्टंट हो या फिर एक ब्रेक लिया हो और उसके बाद से फिर वापस लेकर के आएंगे ताकि सब बूम करे सारी चीज़ों को। तो देखते हैं, इंडियन आइडल का नाम तो वैसे भी हमेशा से ख़राब ही है, बाकी आप सबको पता ही है कि नेहा मैडम क्या करती हैं, HR साहब क्या करते हैं, और अनिमलिक तो है ही नहीं, तो लेट इट बी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अजमत हुसैन की हर एक छोटी छोटी खबरें जो कि आने वाले टाइम पे होने वाली है, वो सारी खबरें लेकर के मैं आऊँगा। तो स्टे ट्यून और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, सायनारा एंड अस्ता ला वस्ता।